हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले आसाम में कि हम यहाँ से जाने वाले हैं एक नई जगह, तो अभी हम जा रहे हैं और अभी पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। देखो तो पहुँच गए हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। मैंने एक शिव जी भी रहते थे। अच्छा उधर है। तो ये रही हमारी ट्रेन, जल्दी से बैठते हैं B2 में। हेलो गाइस, हमारी गए ट्रेन में चुके हैं। आ गया हो जरा। अब ठीक है। दो छोटी वाली और काला जी और प्राची जी आगे आइए जरा आ गए। कहाँ जा रही हो? राजस्थान की दाढ़ी देखने? राजस्थान के बोर्ड देखने। अच्छा, वहाँ बोर्ड नहीं होती, ऊँट होता है। और यहाँ पे कुछ राजस्थानी लोगों की कंपनी भी मिल गई है हमें, इनके साथ ही जाएंगे अब हम। अब दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, क्योंकि रात को तो हम सो गए थे और अभी सुबह तो क्या 11-12 बज चुके हैं और धूप बहुत तेज है। देखिए पूरा सूखा नज़ारा, एक खिजाड़ी ट्री है। तो कब से मैं देख रही हूँ, मुझे एक ही जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। सारी जगह सब सेम है, सारा एक जैसा है, ये पेड़ खिजाड़ी ट्री और ये सब। पहुँच गए हैं हम कहाँ? तो फाइनली पहुँच गए हैं हम स्टेशन में और ट्रेन लेट होने की वजह से हम पहुँचे हैं 5 बजे और रात को हम बैठ गए थे 10 बजे। खुल गया, चलो आते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ नए किचन में, मतलब पुराने किचन में, लेकिन हमारे लिए नए किचन। गाइस ये देखो, मम्मी बाहर की सफाई कर रही हैं और ये है यहाँ का व्यू। और ये तो देखो ये, और पता है यहाँ पर कितने कांटे, मैं उधर सफाई कर रही थी, यहाँ देखना मेरे कांटा ही लग गया। सफाई करने के लिए यहाँ पे तो बस कांटे कांटे के पेड़ हैं, बस ये खिजाड़ी ट्री, नीम ट्री। और पापा छोड़ दो महाराज, छोड़ चलो। हेलो फ्रेंड्स, तो जोधपुर तो हम पहुँच गए हैं और सबसे पहले ये देखिए मैंने पूजा कर ली यहाँ पे सेट, और अभी धीरे धीरे चल रही है सेटिंग। ये साइड मैंने अभी ठीक किया और ये सब मैंने क्या कवर किया है, ये देखो इसके अंदर मेन बोर्ड है, तो इसको ऐसे कवर कर लिया मैंने। यहाँ भी ये सब बोर्ड वगैरह उसके नीचे कवर कर दिए, उधर भी कुछ है बोर्ड उसके नीचे कवर कर दिए। और ये मैंने क्राफ्ट पुराना वाला सजा दिया, इधर एरिया ठीक करना है और ये सारा फैला पड़ा है सूटकेस, अभी व्यवस्थित करेंगे धीरे धीरे। और बाकी किचन थोड़ा क्लीन कर लिया, थोड़ा और क्लीन करना बाकी है अभी। बाहर बेडरूम दिखाते हो अभी, ये देखो प्राची का बम्बा पूरा है, यहाँ भी सब कुछ फैला हुआ है। अभी धीरे धीरे अभी चल रही है सेटिंग। बाहर भी मैंने थोड़ा क्लीन करा था, और मेरा सबसे पहला पौधा ये मुझे इधर ही मिला था और ये भी मैंने लगा दिया। उधर सारा कचरा पड़ा हुआ है, डाले भी खराब हो रही थी तो थोड़े मैंने उनको धूप में रख दिया। तो अभी हम मार्केट जा रहे थे तो रास्ते में हमें दिखी है यहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही है, तो चलो अभी इसमें भी शामिल होते हैं और प्रसाद लेते हैं।
और शॉपिंग करने के बाद आ गए हैं हम। काला जी की फेवरेट जगह है ये, यहाँ पे ये आते हैं हमेशा और गोलगप्पे खाते हैं। तो यहाँ पे सबसे टेस्टी और सबसे सस्ते गोलगप्पे मिलते हैं, 10 के 5। चलो खाते हैं। प्राची ने अपना थर्मस अभी से लटका दिया है स्कूल जाने के लिए। तो खा ले, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो वापस आते आते तो रात हो गई और यहाँ देखो ये नीलगाया आराम से घूम रही है। तो ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अब से आप देखेंगे यहीं के राजस्थान के ब्लॉग मेरे साथ। बाय बाय।